वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम इक्वल से स्टार्ट हो रहा है ना, इक्वल मतलब बराबर। अब यहां पे कौन सी चीज इक्वल होने वाली है? एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन नहीं, मैं जस्ट एक फिनोमिना आपसे शेयर करती हूं। ये एक पानी की टैंकी है, ठीक है, और पानी की टैंकी इस तरीके से है दैट इट इज ऑफ ग्लास, कांच की बनी हुई है, और आपको सिर्फ ये पोर्शन नजर आ रहा है, राइट? यहां से इसकी इनलेट है और यहां से इसकी आउटलेट। तो देखिए, जो इसकी इनलेट की विड्थ है, जितनी विड्थ इसकी इनलेट की है उतनी ही आउटलेट की है। दिस इज इनलेट फॉर वाटर, दिस इज आउटलेट फॉर वाटर, ठीक है। अब यहां से पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है और यहां से पानी बाहर जा रहा है, और आपको जो चीज नजर आ रही है, यहां कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये पोर्शन नजर आएगा और उसमें आप देख रहे हो कि ये रहा वाटर का लेवल। आपको सिर्फ ये लेवल नजर आ रहा है और ये लेवल बराबर ही रह रहा है। बराबर क्यों रह रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर और इधर है रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, ये दो चीजें। यहां पे पानी एंटर कर रहा है, यहां से पानी बाहर जा रहा है। दोनों ही रेट, रेट ऑफ इनलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट। जितनी स्पीड से पानी एंटर कर रहा है उतनी ही स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि पाइप की विड्थ क्या है, सेम। पाइप जितनी बारीक होगी, जितनी पतली होगी, पानी की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और पानी की पाइप डायमीटर जितना बड़ा होगा तो स्पीड थोड़ी उसकी कम रहेगी, ठीक है। अब ये दोनों ही रेट सेम, तो आपको सिर्फ ये लेवल दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हो दिस इज कॉन्स्टेंट। ये लेवल जो है दिस इज कॉन्स्टेंट, नो दिस इज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। आप सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व किया आपने, लेवल ऑफ वॉटर। तो नजदीक आके आप पानी की साउंड भी सुन सकते हैं कि पानी एंटर भी कर रहा है, पानी जा भी रहा है, लेकिन जब दूर से आप देख रहे हो आपको सिर्फ ये लेवल नजर आ रहा है एंड दिस लेवल इज फिक्स्ड। तो आप क्या सोचेंगे, इस टैंकी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना पानी एंटर हो रहा है ना पानी बाहर जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है जितनी स्पीड के साथ पानी इसमें एंटर कर रहा है उसी स्पीड के साथ पानी उसमें से बाहर जा रहा है। दोनों रेट क्या हो गए, इक्वल, और यहां से बन गया इक्विलिब्रियम। अब जब ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेसेस आपस में बराबर हो गए, मींस दिस सिस्टम हैज अटेन्ड एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की वो स्टेट होती है जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या हो सकता है, वो उसका कलर हो सकता है, उसका लेवल हो सकता है, उसका प्रेशर हो सकता है। प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, मैनोमीटर से। टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे, थर्मोमीटर से, या फिर उसकी कंसेंट्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो जब वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, जब वो चेंज ना करे, तो समझ लेना इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन कि व्हाट इक्विलिब्रियम इज। तो इक्विलिब्रियम, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन अ प्रोसेस व्हेन द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी सच एज कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन डू नॉट शो एनी चेंज और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कॉन्स्टेंट। इसकी टाइप्स के अंदर मैं हर तरह की चीज को एक्सप्लेन करूंगी,
ओके अब अगली बात, इक्विलिब्रियम कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम हैं, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम, अब मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी, और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलोगे? जो फिजिकल प्रोसेसेस में अटेन होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलोगे? जो केमिकल रिएक्शन में अटेन होगा। डिफरेंस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो द इक्विलिब्रियम अटेन्ड, मैं ऐसे लिख लेती हूं, द इक्विलिब्रियम अटेन्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग अ फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में फर्क क्या होता है। आपके पास था वाटर सॉलिड स्टेट में, आइस, और वो कन्वर्ट हो गया वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड के अंदर। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर का वाटर ही रहा, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आई, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, तो यहां पे आइस और लिक्विड के बीच में क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम अटेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, अच्छा अब जरा एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है लेट इट बी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये दोनों ही कंबाइन करके बना लेते हैं 2HI। अब नेचर चेंज हो गई, यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम कॉम्पोजिशन, नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, लेकिन यहां पे देयर इज चेंज इन कॉम्पोजिशन। राइट, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक और ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स अ सॉलिड, जब आप इसको हीट करते हो व्हाट यू विल गेट? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारे गैसियस फॉर्म। तो दिस इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम अटेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये सॉलिड और लिक्विड में सेम, इसी को आप ले लीजिए वाटर लिक्विड एंड वाटर गैस, तो ये लिक्विड एंड वेपर, इसमें भी तो इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, जब केमिकल कॉम्पोजिशन में फर्क नहीं आ रहा, आपने एक पेपर लिया राइट, और पेपर की बोट बना दी, पेपर का एरोप्लेन बना दिया, शेप चेंज हुई, कागज रेक्टेंगुलर था, आपने उसको कोई भी शेप दे दी, फिर आपने उस पेपर को बर्न कर दिया, जब आप उसकी शेप चेंज कर रहे हो दैट इज फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, आप उसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए, दैट इज अगेन अ फिजिकल प्रोसेस, कागज कागज ही रहा, लेकिन जब आपने उस कागज को जला दिया अब वो बन गया कार्बन, ब्लैक पाउडर सा बन जाएगा ना, तो उसकी स्टेट चेंज मीन्स दैट वॉज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, और जो केमिकल में आएगा दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से प्रोसेसेस हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, किन किन चीजों में फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है, लेट्स सी दैट। टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन तरह से आएगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में।
ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड और गैस के बीच में, और तीसरा सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बना मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बना इवेपोरेशन, सॉलिड से गैस बना सब्लिमेशन। ये प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज सब्लिमेशन? जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड के बारे में। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो ये एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर आइस क्यूब्स डाल दी। ठीक है, हमने इसमें आइस क्यूब्स डाल दी और टेम्परेचर अटेन कर दिया यहां पे, दिस इज आइस क्यूब्स, टेम्परेचर इज 0 degree Celsius और इट इज 273 Kelvin। ठीक है, हमने टेम्परेचर कर दिया 273 Kelvin टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atmosphere। मीन्स आप लेबोरेटरी के अंदर इस प्रोसेस को करने वाले हो। ओके, अब ये चीज, ये जो 273 Kelvin टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है भाई? वॉटर फ्रीज करना स्टार्ट करता है। सो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। वॉटर कौन सा? लिक्विड। पानी 0 degree पे फ्रीज करना स्टार्ट कर सकता है, करता है। वॉटर स्टार्ट फ्रीजिंग एट 0 degree Celsius एंड ऑल्सो अगर आपके पास आइस है तो इसी टेम्परेचर के ऊपर आइस स्टार्ट मेल्टिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। समझे बात? ये दोनों ही प्रोसेसेस 273 Kelvin टेम्परेचर पे होते हैं। आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है और वॉटर जो है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है। ओके, अब आपने क्या किया? आपने इसमें लिया वॉटर, आपने इसमें डाल दिए आइस क्यूब्स। ओके, अब दो चीजें, दो फेज आपके पास आ गए, एक है लिक्विड और उसी का सॉलिड। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, स्टेट चेंज हो सकती है, कॉम्पोजिशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर है इस पे, ये जो लिक्विड वाटर है ये सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा और आइस क्यूब क्या शुरू करेंगे? मेल्ट होना। ओके, दूर से देखने पर हमें ये लगेगा आइस क्यूब जैसे थे वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मैं क्यूब को थोड़ा बड़ा करके दिखाने लगी। इस आइस क्यूब के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, राइट? इधर से लिक्विड वाटर का मॉलिक्यूल आया और वो इसकी जगह पे लग जाता है क्योंकि इसकी हो गई फ्रीजिंग, और ये मॉलिक्यूल यहां से बाहर चला गया एज लिक्विड। सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड, और इसकी क्या हो गई? मेल्टिंग। मैंने बोला ना वहां पे दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक फ्रीजिंग और एक मेल्टिंग। तो व्हाट इज हैपनिंग? यहां आइस में से वाटर इसमें जा रहा है और वाटर में से आइस इधर बनती जा रही है। वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से फ्रीज होता जा रहा है और आइस क्यूब में से वाटर जो है वो बाहर जाता जा रहा है, लेकिन हमें कोई चेंज नजर नहीं आती। क्यों? एक वाटर मॉलिक्यूल गया तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। हमें ओवरऑल आइस एज इट इज ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये दो प्रोसेसेस हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहां पे रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये दोनों ही बराबर है। इसलिए हमें दूर से देखने पर दोनों में किसी तरह की चेंज नजर नहीं आएगी। हमें लगेगा हमने 0 degree कूल वाटर के अंदर आइस क्यूब्स डाली तो वो आइस क्यूब मेल्ट नहीं हुई, जबकि मेल्टिंग हो रही है।
लेकिन मेल्टिंग के साथ साथ देयर इज ऑल्सो फ्रीजिंग, जो लिक्विड वाटर है वो फ्रीज हो रहा है और जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। ये दोनों ही रेट आपस में बराबर हैं, दे हैव अटेंड एन इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सॉलिड और लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे दैट सॉलिड लिक्विड आइस एंड वाटर, सॉलिड लिक्विड सिस्टम इज डायनेमिक इन नेचर। आप ये नहीं बोल सकते यहां केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है, फिजिकल प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, इट इज हैपनिंग। दूर से देखने में लग रहा है देर इज नो चेंज, बट अंदर उसके प्रोसेस चलता जा रहा है। इट इज डायनेमिक मीन्स इट इज नॉट स्टिल, इट इज इन मोशन, डायनेमिक इन नेचर। द टू चेंजेस कौन कौन सी, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, दे आर टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट, सेम स्पीड के साथ मेल्टिंग भी हो रही है और फ्रीजिंग भी हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखो सेकेंड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। हमने एक कंटेनर के अंदर वाटर ले लिया, लेट इट बी वाटर, ठीक है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, इसको हमने कनेक्ट किया है मैनोमीटर के साथ, और आपको पता है मैनोमीटर हम गैस के प्रेशर के लिए यूज करते हैं। थोड़ी देर के अंदर यहां से सबसे बाहर वाला जो लाइन है, वाटर की लेयर जो सबसे बाहर है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होने शुरू हो गए, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गए, गैस में। ठीक है, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैस। अब शुरू की कंडीशन है लिक्विड जस्ट इवेपोरेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। तो ये दोनों लेवल, इसमें हमने आपको पता मर्करी होता है, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया हुआ है। अब शुरू में ये दोनों लेवल बराबर, अब मैं इसी की नेक्स्ट स्टेज बना रही हूं, धीरे धीरे इवेपोरेशन बढ़ती गई, तो ये गैस के वेपर यहां पहुंचे तो उन्होंने इस पे प्रेशर लगाना शुरू किया, तो क्वाइट ऑब्वियस ये इधर को चढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर से लेवल डाउन जाएगा तो इधर को लेवल अप जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी स्टेज बना रही हूं जब पानी काफी सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो लिक्विड कम रहेगा ना, लिक्विड का लेवल डाउन चला गया। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं बनाने में, वाटर से वेपर बन गया, अब ये पूरा एरिया वेपर से भरा हुआ है, यहां पे बहुत सारे वेपर्स हैं, ये पूरा एरिया वेपर से भरा हुआ है, ठीक। ओके, ये वेपर जब इधर, मैंने बताया था प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये लेवल मर्करी का पहले यहां था, ठीक है, इट वॉज द प्रीवियस स्टेज, मैंने इसको नाम दे दिया ए, फिर ये पहुंचा बी पे, फिर ये पहुंचा सी पे, और अल्टीमेटली इसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो ये लेवल इधर से पहुंच गया इधर, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट स्टेज, ये फिर उसकी सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, तो मतलब करते करते जब यहां पहुंचा इसके ऊपर वो चेंज नहीं आई, तो अब इसका प्रेशर कितना आया देखो जरा, यहां से लेके यहां तक, अब ये जो हाइट है h, दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, गैस कौन सी, वाटर वेपर, ऐसे ही करते थे ना हम, प्रेशर ऑफ गैस निकालते थे। ओके, अब ध्यान से देखना, अब यहां पे क्या हो रहा है, हम ये सोचे कि इवेपोरेशन होते जा रही थी, अल्टीमेटली इवेपोरेशन बंद हो गई, जब इस लेवल ने ऊपर जाना बंद कर दिया मींस इवेपोरेशन बंद हो गई, नहीं, यहां पे दो प्रोसेस हैं, एक इवेपोरेशन, ये एरो ऊपर को जा रहा है, दिस इज इवेपोरेशन, और जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक पहुंचा वो वापस कंडेंस हो जाएगा, समझ रहे हो बात, ये नजदीक आया ये वापस कंडेंस हो जाएगा। तो शुरू में क्या है, जब ये चेंज आते जा रही है, 1 2 3 4 ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 3 नीचे आ रहे हैं, लेट इट बी 5 ऊपर जा रहे हैं तो 3 नीचे आ रहे हैं, करते कराते एक स्टेज ऐसी आ गई कि 1 2 3 4 5 और ये लीजिए 5 ही कंडेंसेशन। अब यहां पे दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हो रहे हैं,
दिस इज कंडेंसेशन, जो वापस लिक्विड बन रहा है, और ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब गैस टू लिक्विड या वेपर टू लिक्विड, और इधर लिक्विड टू गैस, दो प्रोसेस, ये उसका बिल्कुल उल्टा। जिस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के, मतलब जितने मॉलिक्यूल नीचे से, ये हमारे पास है गैशियस फेज और वेपर फेज, ये रहा लिक्विड फेज, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आएंगे। ठीक है, जिस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के, अब जितना प्रेशर यहां पे आया, आपको पता है इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको समझाया हुआ कंसेप्ट पहले, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम की। जब आप वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बोलते हो, आप कहते हो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ इट्स लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वो कंडीशन जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर आ गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के, इट मींस द सिस्टम हैज अटेंड इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया इसका प्रेशर, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी दैट वाज प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। पहले वो चेंज होता जा रहा था, क्यों, क्योंकि ऊपर बड़ी सारी जगह खाली थी, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा था, बढ़ता गया, अल्टीमेटली वो रुक गया। उसके रुकने का मतलब ये नहीं है कि अब इवेपोरेशन नहीं हो रही, इस चीज को हमेशा याद रखना, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, ये स्टैटिक नहीं होता, इट इज ऑलवेज डायनेमिक, हर वक्त वर्किंग रहता है। अगर तीन मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो तीन नीचे आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल जाएगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, तो इस तरीके से लिक्विड और गैस दे अटेन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज सॉलिड गैस, मैंने बताया था इट्स अ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। देखो ये है आयोडीन सॉलिड और इससे बन जाते हैं आयोडीन के वेपर्स, राइट, तो दिस इज सॉलिड एंड वेपर या गैशियस फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है कैम्फर, कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, राइट, दिस इज कैम्फर, सॉलिड कैम्फर, इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू गैशियस फॉर्म, सॉलिड से गैशियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद अमोनियम क्लोराइड गैशियस। अब यहां पे क्या होता है, रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। यहां पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक ये फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जाने के लिए, यहां हो रही है सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बन रहा है, और वापस गैस से क्या बन रहा है, सॉलिड, तो दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्लियर, तो इस तरीके से दे अटेन केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो आयोडीन, इसके अंदर कैम्फर अमोनियम क्लोराइड, आप इसको मैनोमीटर के साथ मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, बट इसको तो आप कलर से भी देख सकते हो। सॉलिड आयोडीन बिल्कुल लेवल के नीचे होगी, कंटेनर इज क्लोज्ड, यहां पे आयोडीन आयोडीन रखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वॉयलेट कलर में दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे आपको इस पूरे कंटेनर के अंदर वॉयलेट कलर दिखाई देगा, मींस यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आयोडीन यहां पहुंचनी शुरू हो गई, जब ये पूरा भर गया देन इट स्टार्ट्स सॉलिडिफिकेशन, नीचे को आना शुरू हो गया, ऊपर जा रहा है सब्लिमेशन, नीचे आ रहा है सॉलिडिफिकेशन, और आप देखोगे पूरे के पूरे कंटेनर में वॉयलेट कलर, शुरू में थोड़ा फीका था, धीरे धीरे थोड़ा गहरा हुआ, फिर थोड़ा हल्का हुआ, एंड आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया, उसका कलर कांस्टेंट हो गया, मींस अब दोनों ही रेट सब्लिमेशन एंड सॉलिडिफिकेशन दे हैव बिकम इक्वल। ठीक है, तो ये है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम।
चलिए एक और सिस्टम देखते हैं, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू सॉलिड इन लिक्विड। ये हमारे पास एक बीकर, हमने इस बीकर में लिया वाटर और इसमें डाल दिया शुगर, ठीक, इसमें शुगर डाल दी, ओके। थोड़ी देर के बाद जैसे आपने इसको घोला, शुगर घुल गई, फिर आपने और शुगर डाली, तब तक जब तक आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना आ जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ऐसा होता है ना, आप नींबू पानी बनाते हो, चीनी डालते हो, पानी में घोलते जा रहे हो और एक स्टेज आती है चीनी घुलना बंद कर देती है, वो आपको नीचे ही दिखाई देती रहेगी, मींस आपने बहुत एक्स्ट्रा चीनी डाल दी, एक्सेस में डाल दी, तो वो नीचे सेटल हो जाएगी, मींस नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, इससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं घुल सकती, जितनी चीनी है वो सेपरेट ही रहेगी, ठीक है, ओके। अब क्या इसमें भी इक्विलिब्रियम है, देखते हैं। ये वो चीनी है जो आपको दिखाई दे रही है बॉटम पे बैठी हुई, लेकिन चीनी इस पूरे पानी में भी तो है, चीनी इस पूरे पानी में भी घुली हुई है, तो यहां पे है डिजॉल्व्ड शुगर, इसके अंदर डिजॉल्व्ड शुगर और ये सॉलिड शुगर, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और दूसरा प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर, शुगर वापस प्रेसिपिटेट हो रही है, ठीक है। पानी वाली शुगर नीचे बैठ जाएगी, दैट इज प्रेसिपिटेशन, और यहां वाली पानी में चले जाएगी, दैट इज डिसोल्यूशन। अब कैसे चेक करें कि ये प्रोसेस यहां पे कुछ चल रहा है या नहीं, हमने क्या किया, एक और स्पून लिया और इसमें से रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी, मतलब उसमें ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव होगी, इसको इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो रेडियो एक्टिव शुगर है वो यहां पहुंची, उसको मैं ऐसे स्टार से शो कर रही हूं, दिस इज रेडियो एक्टिव शुगर। थोड़ी देर के बाद इसको पड़ा रहने दिया, जब हमने डिटेक्टर लगाया तो ये देखने में आया पूरे लिक्विड के अंदर रेडियो एक्टिव शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसे हुआ, ये तो पहले से ही सैचुरेटेड था, हमने एक्स्ट्रा शुगर डाल दी और वो शुगर कैसे घुल गई इसके अंदर। एक्चुअली हो क्या रहा था, यहां से शुगर जा रही थी पानी में, और जो ये पॉइंट है, ये पानी में घुली हुई शुगर है और ये वापस यहां पे प्रेसिपिटेट हो जा रही थी, और ये प्रोसेस रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर, तो हमें लगता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब इससे ज्यादा इसमें वो नहीं घुल सकता, प्रोसेस रुक गया, बट एक्चुअली दे अटेन इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही प्रोसेस, इसका घुलना और उसका प्रेसिपिटेशन होना, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, मतलब शुगर सॉलिड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद शुगर इन लिक्विड, इन लिक्विड। तो ऊपर का प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन वापस आ रहा है, जो लिक्विड में है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है, ये वापसी वाला एरो है, तो दिस इज प्रेसिपिटेशन। तो दोनों ही प्रोसेसेस दे आर टेकिंग प्लेस एट सेम रेट, मींस इक्विलिब्रियम इज बीइंग अटेंड हियर। कैसे पता लगाया, रेडियो एक्टिव शुगर डाल के, वो भी पूरे पानी में डिस्पर्स हो गई, मतलब चाहे देखने में लगे कि पानी में चीनी घुल गई, अब उसको रख दीजिए साइड में, कुछ भी नहीं हो रहा है, अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, डिसोल्यूशन भी चलती रहेगी और प्रेसिपिटेशन भी चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार इक्विलिब्रियम का साइन डाल रही हूं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूं। पहले कोई भी रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इन इक्विलिब्रियम विद 2HI,
ये आगे जाने वाला जो एरो है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, वापिस आने वाले को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम, जब दोनों ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में आएगा, जो सिंगल हेडेड रिएक्शंस होती हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन एरो टू एच आई, सिंगल हेडेड एरो। अगर मैं सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं तो बैकवर्ड का रिएक्टेंट कौन है, एच आई, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो का मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगी इक्विलिब्रियम सिर्फ उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएगा, उन्हीं फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर आएगा विच आर रिवर्सिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू गैसेस इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, ओके। आप लोगों ने, सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी है ना, ओके। ये है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ठीक। आपने देखा होगा यहां तक लिक्विड भरा होता है और ऊपर की नेक खाली रहती है इसकी, इसका ढक्कन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लीजिए। इसमें अब जो भी ब्रांड है चल ले दीजिए, ये पूरा कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है और ये जगह खाली है, इसमें क्या है, इस जगह के अंदर है गैस। गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर भरी जाती है, तभी उनमें वो बर्निंग सा टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो यहां पे गैस के वेपर हैं, इसके अंदर भी गैस डिसॉल्व है, राइट। ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये वाला प्रेशर और अंदर वाले वेपर्स का प्रेशर दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लिक्विड दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दिस इज डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड CO2, ये है फ्री CO2, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आपने इसका ढक्कन हटा दिया, चलो ढक्कन हटा दिया, एकदम से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हटाते हो तो बुलबुलों के साथ गैस बाहर को आना शुरू कर देती है, क्यों, क्योंकि अब प्रेशर किसका है, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब ये बॉटल हमने प्रेशर से भरी थी, मतलब इसके अंदर CO2 का जो प्रेशर है दैट इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर से गैस जल्दी से बाहर को आने की कोशिश करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करेगी, फ्रॉम हाई टू लो। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक के अंदर से फिजिंग की साउंड आती है, बुलबुलों के साथ गैस बाहर को आती है और फिज की साउंड आती है, क्यों, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आना है ना, वो बुलबुले, वो इवेपोरेशन जो उसकी गैस की बाहर को आ रही है तब तक फिजिंग होती रहेगी जब तक इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, कि जितनी CO2 बाहर है वो वापस बॉटल के अंदर और जो बॉटल में है वो वापस बाहर, डिसॉल्व्ड एंड फ्री, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा तभी उसकी जो फिजिंग की साउंड है वो बंद होगी। लेकिन आपने देखा है जब ढक्कन खोलने के बाद उसको थोड़ी देर आप लूज रख देंगे उसके टेस्ट में फर्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी CO2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम लाने के चक्कर में निकल जाती है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी वेरी लो, दैट इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, हर वक्त आपके ऊपर वो काम करता है। तो बॉटल तो बड़े जोर से हमने भरी थी, अंडर प्रेशर भरी थी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके साथ, इक्विलिब्रियम गैप कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म और CO2 इन सॉल्यूशन, जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी फिजिंग की साउंड आती रहेगी, ठीक है। अब किसी लिक्विड के अंदर कितनी गैस डिसॉल्व करेगी,
दैट इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन. तो ये सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ये देता है हेनरीज लॉ. इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ, जो भी गैस हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, द मास ऑफ गैस या मास ऑफ गिवन गैस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड by that gas on the surface of liquid. बॉटल के अंदर हमने प्रेशर ज्यादा लगाया था तो ज्यादा गैस डिजोल्व थी. ठीक है, कम प्रेशर लगाएंगे तो कम होगी. अब सिंपल सा ले लीजिए, ये किसी कंटेनर के अंदर हमने पानी रखा है. ठीक है, अगर इसके ऊपर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो जो भी यहां पे गैस के वेपर्स है वो इसके अंदर को ही जाएंगे. अगर इस प्रेशर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर को आ जाएंगे. ठीक है, तो मास ऑफ गिवन गैस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, उसके ऊपर जितना प्रेशर होगा डिसोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी. क्लियर बात? तो इट वॉज हेनरीज लॉ. अब देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? अब आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम के अलग अलग प्रोसेसेस देख लिए. लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट, एट इक्विलिब्रियम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट. बातें वही हैं, जस्ट उसको एक हम कोलैबोरेट कर रहे हैं. ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट. ओके, जब इक्विलिब्रियम आएगा फिजिकल इक्विलिब्रिया के अंदर, प्रेशर, टेम्परेचर, कलर और कंसेंट्रेशन दैट विल बिकम कांस्टेंट. आपने देख लिया, इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर. फिजिकल इक्विलिब्रियम इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, कहने का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेसेस दोनों ही होते रहते हैं. बेशक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा बट बोथ रिएक्शंस गो ऑन. ठीक है, एंड विद सेम स्पीड, स्पीड सेम होगी. इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज ऑलवेज अटेंड इन अ क्लोज कंटेनर. अगर किसी इक्विलिब्रियम के अंदर गैस बन रही है, जैसे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखना. मैंने कंटेनर को क्लोज बनाया था ऐसे आयोडीन वाले के लिए. क्यों? अगर उसका ढक्कन खुला रखेंगे ना तो जैसे ही सॉलिड से गैस बनेगी वो तो सराउंडिंग में चली जाएगी, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन कहां से आएगी? तो इट इज ऑलवेज अटेंड इन अ क्लोज्ड कंटेनर जिसमें भी गैशियस कंपोनेंट होगा. एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, जो जो भी इन्वॉल्व होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे. कंसेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट. जब इक्विलिब्रियम आया लेफ्ट और राइट दोनों की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी. देखो कैसे, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन कोई नहीं आती. अगर आप वॉटर लिक्विड और वॉटर सॉलिड, आइस और आइस मेल्ट होकर बना रही थी वॉटर लिक्विड, तो आपको इसकी और इसकी कंसेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. कब? जब इक्विलिब्रियम है. तो कंसेंट्रेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ये इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे आएगा, 273 पे आएगा, ऐसा नहीं है यू स्टार्टेड विद 0 और टेम्परेचर कर दिया 25, तब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, क्योंकि 25 डिग्री के ऊपर आइस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हो गई ना कांस्टेंट, तो इनकी जो रेशो है कंसेंट्रेशंस की ये भी कांस्टेंट हो जाएगी. ये रही केमिकल रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, मतलब जो पानी के अंदर डिसॉल्व है, दोनों की कंसेंट्रेशन फिक्स हो गई. दोनों की कंसेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन. तो ये प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट, दोनों की जो रेशो है इट विल बी अ कांस्टेंट.
और इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन, इसकी रेशो आ गई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट, नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट। इसकी वैल्यू को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्शन कैसा था, फॉरवर्ड के लिए था या बैकवर्ड के लिए था। ठीक है, अब सेम रिएक्शन ये लिखी है मैंने, इनकी रेशो, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ गैशियस, इट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर हायर है, हायर इज द वैल्यू दैट इज मोर मोर विल बी डिसोल्यूशन ऑफ गैस। ये रही रिएक्शन। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है, मींस ये ऊपर वाली वैल्यू, ये नीचे वाली, इसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, ये है 100 और ये है लेट इट बी 50, कितना आंसर आया? 2। ये है 100 और ये है 10, कितना आंसर आया? 10। अगर वैल्यू 2 है, इसका मतलब डिसोल्यूशन 100 थी तो वापसी कितनी थी? 50। अब कितना है डिसोल्यूशन? 100, वैल्यू कितनी आई? 10। डिसोल्यूशन 100 और वापस उसका पानी से बाहर जाने वाला कितना है? 10। ज्यादा हो गया ना, इसका मतलब डिसोल्यूशन, जितनी इसकी हायर वैल्यू आएगी डिसोल्यूशन इज मोर। ये तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, डिसोल्यूशन यहां पे कौन सी है? फॉरवर्ड। जितनी इसकी हायर वैल्यू होगी, इफ वैल्यू इज हायर मींस जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इज मोर। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। जितनी वैल्यू उसकी कम होगी, अगर वैल्यू मान लो उसकी कम आती है, कम आने का मतलब ये हो गया 50, डिसोल्यूशन कम हो रही है और वापसी वाली ज्यादा है, तो आंसर कितना आया? 0.5। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। एंड यस, लास्ट, द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, चीनी को अगर पानी में घोल रहे हो, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। कम पानी में चीनी घोलते जाएंगे और आप कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया है, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये थे फिजिकल इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से देखें, कंसेप्ट को समझें और नोट्स अपने कंप्लीट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, मेक योर नोट्स।